के गेट में देखा जाए तो व्हाट्सएप इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस सोशल नेटवर्किंग और मैसेंजर एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से लोग अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ या फिर बैंक स्टेटमेंट हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं और इसको यूज करते रहते हैं, चाहे पर्सनल यूज के लिए हो या फिर क्या नाम है ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट यूज के लिए हो। ऐसे में व्हाट्सएप पे जहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा यूजर पर मंथ एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप पे हैकर्स भी व्हाट्सएप का फायदा उठा करके दूसरे के अकाउंट को एक्सेस करके उसके डॉक्यूमेंट का मिसयूज करके उसके बैंक अकाउंट तक को खाली कर देते हैं या फिर उसको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट पूरी तरह से सिक्योर रखना है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है, कोई हैक तो नहीं कर रहा है, या फिर अगर कोई हैक कर लिया है तो कैसे उसको प्रोटेक्ट करके उसको डिसकनेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर करके रखेंगे। हाल ही में एक केस आया है यूपी का, मुजफ्फरनगर का रहने वाला एक युवक जो बेरोजगार था, उसको हैकर्स ने उसके जो व्हाट्सएप अकाउंट था उसको हैक करके उसके जो सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है उसको ले लिया, उसके माध्यम से उसके ऊपर 250 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। सोचिए 250 करोड़ रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वहां का जो लोकल डीजीएम है, लोकल क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, वो इस मामले की छानबीन कर रहा है, लेकिन 250 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऐसे में आपको भी अपना व्हाट्सएप अकाउंट पूरी तरह से सिक्योर करके रखना है, अपने जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है उसको पूरी तरह से सिक्योर करके रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। वहां पर जाने के बाद आपको राइट टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पर आप नेविगेट होकर के जाएंगे, जहां पर आपको बहुत सारे डिवाइसेस जो आपके व्हाट्सएप अकाउंट से कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, वो सारे अकाउंट आपको वो सारे डिवाइसेस आपको शो करने लगेंगे। उसमें आपको बहुत ही आइडेंटिफाई, बहुत ही क्लियरली आपको क्या नाम है आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से डिवाइसेस को आप जानते हैं, जिस जिस डिवाइसेस को आप जानते हैं, जो डिवाइसेस आपके नॉलेज में है, जिनको आप जानते हैं कि इस डिवाइस को आपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट से कनेक्ट किया हुआ, उस डिवाइसेस को आपको छोड़ देना है। रेस्ट ऑफ द जो डिवाइसेस बचते हैं जिसको आप जानते नहीं है कि ये डिवाइस आपने कनेक्ट किया है कि नहीं किया है, आपके व्हाट्सएप नॉलेज में है कि नहीं है, उस डिवाइसेस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वहां पे जो लॉगआउट का ऑप्शन आएगा वहां पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगआउट पे क्लिक करते ही वो डिवाइस आपके व्हाट्सएप अकाउंट से डिसकनेक्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। हैकर्स आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।